उसे गाड़ी में ही दर्द होने लगा और बस फिर क्या, यहां तो खुद मौत तक हार गई। आप देखने जा रहे हैं वो लकी मोमेंट्स जिनको देखने वाले भी लकी ही होंगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। आपने ऐसा कभी ना कभी जरूर सुना होगा जब किसी प्रेग्नेंट लेडी की हालत गाड़ी में बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हो, ऐसे में हॉस्पिटल तक पहुंचना भी एक टफ कंडीशन बन जाती है। वैल ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो क्या औरतें और क्या मर्द हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगी। इस मोहतरमा की हालत भी एकदम नाजुक थी, इसलिए इसका हस्बैंड भी इसको हॉस्पिटल तक लेके जा ही रहा था कि अचानक इस लेडी के साथ वो होता है जिसे शायद हम चमत्कार भी कहें तो गलत नहीं होगा। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि गाड़ी में ही इसके डिलीवरी होने जैसे पूरे आसार हो चुके थे। और आखिर में हुआ भी कुछ ऐसा ही, गाड़ी में बैठे बैठे ही ये महिला एक बेबी को जन्म दे देती है। आप खुद सोचिए इससे बड़ी ताज्जुब की बात और भला क्या होगी। कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है। जरा एक ऐसे वक्त की कल्पना कीजिए जब आप अपने घर में थके हारे पंखे के नीचे बैठे हों और अचानक वो पंखा आपके ऊपर आ गिरे। अरे डरो मत, अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन इस फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ मगर एक तगड़े ट्विस्ट के साथ। ये छोटा सा परिवार मस्त पंखे के नीचे बैठकर खाने का मजा ले ही रहे थे कि अचानक सीलिंग फैन ऊपर से नीचे गिर जाता है। मगर मजाल है, किसी को लगना तो दूर, खरोंच तक आ जाए। पंखा नीचे गिरा जरूर था मगर इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा लक और भला क्या होगा। आप में से ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे जो जंगलों में जाना चाहते हो या फिर तरह तरह के जंगली जीवों को देखना चाहते हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी किसी जगह जाओ भी तो ध्यान रहे आप इन लड़कियों जैसी गलती भूल के भी ना करें, नहीं तो आगे आपकी गाड़ी राम भरोसे ही होगी। मेरे दोस्त, ये लड़कियां मस्ती मस्ती में गाड़ी से नीचे उतर तो गई मगर जब इन मोहतरमाओं का सामना जंगली भालू से हुआ तब ये बिना हिले डुले स्टैचू बनकर खड़ी रही। वो भालू आता है, इनको छेड़ता है और कुछ देर तक इनको चेक करता है मगर इनके ज्यादा मोमेंट ना करने की वजह से ही वो इनको छोड़कर चला गया, नहीं तो इनका ये टूर आखिरी टूर ही बन जाता। जानवर चाहे जो कोई भी हो, अगर वो मानसिक तौर पर बीमार है तो उससे बचकर ही रहना चाहिए। और ये अगली वीडियो खास आपके लिए। यहाँ ये मोहतरमा फोन पर किसी से बात करने में व्यस्त ही थी, अचानक एक लोमड़ी जो रेबीज इन्फेक्टेड भी थी वो पीछे से आती हुई इन पर हमला कर देती है। ये अटैक देखकर कुछ लोग पैंट पीली कर दे मगर इस मोहतरमा ने इसका डटकर सामना किया। वो लोमड़ी अगर पीछे नहीं खिसकी तो ये लेडी भी लगातार उसको किक पे किक मारती रही और आखिर में उसका हस्बैंड उसको देख लेता है और वो अंदर से डंडा लेकर आता है, तब जाकर ये लोमड़ी यहां से भागी, नहीं तो आज ये लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। फूटे नसीब के किसी इंसान को जब सांप जैसा कोई जीव नजर आता है तब तो वो डर के मारे मूतना शुरू कर देते हैं, मगर जो नसीब का पक्का खिलाड़ी होता है उसका नॉर्मल सांप तो क्या किंग कोबरा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस बच्ची को देखने के बाद हमारे भी तोते उड़ गए थे। जिस तरीके से इसने सांप को पकड़कर इस कमरे में एंट्री मारी थी तो इसको देखकर अंदर बैठी औरतें खड़े होकर सलाम ठोकने लगी। इस बच्ची ने सांप को ऐसे पकड़ रखा था मानो जैसे कोई खिलौना हो। बाकी आपको क्या लगता है, ये सांप जहरीला रहा होगा या नहीं, कमेंट करके बताइए। चलती बाइक या गाड़ी के आगे सांप का आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ऐसा आप में से किसी के साथ कभी भी हुआ होगा, लेकिन जो नसीब इस बाइकर का था ऐसा नसीब बहुत कम लोगों का ही होता है।
ये महाशय अपनी बाइक पर सवार मस्त राइडिंग के मजे लेते हुए कहीं जा रहे होते हैं कि न जाने कोई कहां से सांप बीच सड़क आ जाता है और इस बाइकर की ओर जंप मारता है। नो डाउट ये स्नेक इसको काटना चाहता था मगर बेचारा फेल हो गया। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि साला सांप को ऐसा क्या गुस्सा आया कि उसने खुद की जान को रिस्क में डालकर ऐसा कांड करने की सोच ली। अगर आपको सच में जानना है कि किस्मत का खेल कैसे चलता है तो ये वाली वीडियो अभी आपको अच्छे से बात समझा देगी। इस वीडियो को अगर आप सिर्फ ऐसे देखोगे कि इस लड़के की बाइक चालू नहीं हो रही इसलिए किक्स पे किक्स मारे जा रहे, मगर ऐसा हो क्यों रहा है ये आपको अभी मालूम पड़ेगा। किक्स मारते मारते इस लड़के की नजर यहाँ पास की पटरियों पर जा रही इस बूढ़ी माँ पर पड़ी, जिसको देखकर ये फौरन उसकी ओर दौड़ा और उसे पीछे खींच लिया। अगर ये ऐसा न करता तो यहाँ बहुत गलत हो सकता था, लेकिन ये इस बूढ़ी माँ की किस्मत थी जो इसने इस लड़के को बाइक चालू नहीं होने दी और उसने इसको यहाँ जाते देखा, वरना इन दोनों का आपस में रिश्ता ही क्या था। आप खुद सोचिए। अल्लाह कहो या भगवान, वो अपने बंदों पर हमेशा नजर बनाए रखता है और इस अगली फुटेज में आप ऐसा ही कोई चमत्कार एक बार फिर देखने वाले हैं। ये भाई अपनी बाइक पर कहीं आकर रुकता ही है कि अचानक पीछे से एक पागल टेम्पो वाला इनकी ओर आते हुए टक्कर मार देता है। इस टक्कर से महज एक सेकंड पहले ही यहाँ खड़ी दूसरी औरत बच्चे को अपनी ओर ले लेती है और ये टक्कर उसके बाद होती है। खैर, इसमें किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आई। अब बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर। नदी नालों में नहाना किसे पसंद नहीं? आपको ऐसा करके मजा आता है तो कमेंट करके बताओ। इन लोगों को भी नहाने में मजा आता है और इनके साथ ही इस स्नेक को भी। ये लोग मस्ती में पानी के मजे ले ही रहे थे कि अचानक कहीं से नाग देवता प्रकट हो गए और डर के मारे कुछ एक आध के पानी के अंदर ही निकल भी गए होंगे। खैर, किस्मत की बाजी एक और बार देखने को मिली, जो ये नाग देवता यहाँ आए जरूर मगर किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ही चुपचाप यहाँ से निकल लिए। आप भले ही कितनी भी आंखें खोलकर क्यों ना अपनी गाड़ी या बाइक को चलाएं, सड़कों पर ऐसे अंधे भी आप ही के साथ घूम रहे हैं ये मत भूलना। और इस अगली सीसीटीवी में आप ऐसे ही कोई दृश्य देखने वाले। सड़क पर चलते चलते अचानक एक बेवकूफ कार वाला अपनी गाड़ी को रोक देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे आ रहा एक बाइक इतने जोरदार ब्रेक लगाता है कि बेचारे इस गाड़ी से जोरदार टकराने से बस बाल बाल बच गए। अब बताइए, ऊपर से गाड़ी वाला भी नीचे उतर कर इसे डांटता है। पानी के अंदर राफ्टिंग के मजे लेने से पहले उस इलाके की जानकारी जरूर ले लेना, कहीं बाद में लेने के देने पड़ जाए जैसे इन लेडीज को देने पड़ जाते हैं। You are not Jessica. Jessica! It's alligator! It's hissing at her! Oh my god! क्या कभी ऐसा देखा है जो जीव मर गया हो वो मरने के बाद वापस सांसें भरने लग जाए? अगर नहीं तो ये वीडियो अभी बहुत से लोगों के पैरों तले की जमीन को खिसका देगी। YouTube पर मिले इस वीडियो में एक लड़के को एक मछली मिलती है जो पहले ही अपना दम तोड़ चुकी थी, जिसका सबूत है ये वीडियो और उसकी बॉडी। लेकिन जैसे इस लड़के ने इस मछली के मुंह पर पानी डाला तब कुछ ऐसा मिरेकल होता है कि पूछो ही मत। आपने भी देखा और हमने भी कि पहले मर चुकी थी लेकिन पानी गिराने के साथ ये कैसे सांसें भरने लगी, ये हमारी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया। आपके आया तो कमेंट करके बता दो जरा। उम्मीद करते हैं इस बार भी आपको कुछ अलग देखने को मिला होगा, इसलिए चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए और हम तब तक वीडियो दूसरा वाला बनाने लग जाते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।